लास्ट वीडियो में हमने देखा था बैटल ऑफ प्लासी, उसमें हमने देखा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने किले के अपने सेंटर्स के अराउंड फोर्ट्रेस बना दिए थे सेंटर्स के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन उसके लिए उन्होंने अपने नवाब ऑफ बंगाल से परमिशन नहीं लिया था। ठीक है, तो नवाब ऑफ बंगाल ने क्या किया, वो फोर्ट्रेस तुड़वा दिए। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव एक अपनी छोटी सी आर्मी लेके वहाँ पे गया अपने सेंटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन उसको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वो नवाब ऑफ बंगाल से फ़ाइट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो एक कॉन्स्पिरेसी रचेंगे नवाब ऑफ बंगाल को हराने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उनके कमांडर इन चीफ को यानी कि सेठ अमीचंद और मीर जफ़र को अपनी साइड कर लिया बहला फुसला के। ठीक है, और प्लान के अकॉर्डिंग मीर जफ़र हार गया। ठीक है, और नवाब ऑफ बंगाल को डिफ़ीट कर दिया उन लोगों ने। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ वो हम बैटल ऑफ बक्सर में देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बैटल ऑफ बक्सर। टू एक्सट्रैक्ट प्लेंटी ऑफ वेल्थ द ब्रिटिशर्स मेड मीर जफ़र द नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, अब वेल्थ तो था ही इंडिया में। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि मीर जफ़र को नवाब बना देते हैं ताकि हम उससे वेल्थ निकलवा सकें। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मीर जफ़र को नवाब की कुर्सी पे बिठा दिया। ठीक है, तो मीर जफ़र क्या हो गया, वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने उसको नवाब बनाने के लिए कुछ रिटर्न में मांगा नहीं था, लेकिन मीर जफ़र ने क्या किया था एज ए गिफ्ट वो पर मंथ 5 लाख रुपीज़ कंपनी को देता था। ठीक है, ऐसी कोई डील नहीं हुई थी, बस मीर जफ़र खुश था इसलिए उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 5 लाख रुपीज़ पर मंथ ऐसे गिफ्ट देने का डिसाइड किया। नेक्स्ट, ड्यू टू देयर ग्रीड टू गेन मोर पावर द ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज टू डीथ्रोन मीर जफ़र एंड मेड मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 5 लाख रुपीज़ तो पर मंथ मिल रहे थे। ठीक है, अब इतना सारा वेल्थ हो उसमें से एक छोटा टुकड़ा मिले तो उसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुश नहीं था। ठीक है, उनको और ज़्यादा प्रॉपर्टी चाहिए थी, और ज़्यादा वेल्थ चाहिए था, और पावर भी चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, मीर जफ़र को हटा के मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम वॉज मोर एम्बिशियस देन मीर जफ़र एंड थस बिकेम अ थ्रेट फॉर द कंपनी। ठीक है, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ऐसा प्लान था कि हम मीर कासिम को नवाब बना देंगे और ज़्यादा वेल्थ हम उससे निकलवा लेंगे, थोड़ा पावर गेन कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, मीर कासिम क्या निकला, ज़्यादा एम्बिशियस निकला। ठीक है, और ये कंपनी के लिए क्या हो गया, एक थ्रेट हो गया। मीर कासिम विद नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब मीर जफ़र को निकाल दिया कुर्सी से। ठीक है, तो उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को डीथ्रोन कर दिया गया। ठीक है, मीर जफ़र को वापस से नवाब बना दिया गया क्योंकि मीर कासिम ज़्यादा एम्बिशियस था। ठीक है, और कंपनी के लिए एक थ्रेट था, तो मीर कासिम को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने क्या किया, नवाब ऑफ अवध और मुग़ल एम्परर शाह आलम के साथ मिलके एक प्लान बनाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने के लिए। अब नवाब ऑफ अवध कौन था, उसका नाम था शुजा उद दौला, और जो मुग़ल एम्परर शाह आलम था उसका कंट्रोल किस पे था, दिल्ली के ऊपर था। ठीक है, तो इन तीनों ने मिलके क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने का प्लान बनाया, उनके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करने का प्लान बनाया। एट बक्सर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉट अगेंस्ट द यूनाइटेड आर्मी ऑन 22nd of October 1764 इन विच द यूनाइटेड आर्मी लॉस्ट। ठीक है, अब ये तीनों एक साथ तो हो गए थे। ठीक है, और बक्सर में क्या किया, उन लोगों ने वॉर डिक्लेयर कर दिया ऑन 22nd of October 1764, लेकिन इसमें भी क्या हुआ, जो यूनाइटेड आर्मी था वो तीनों के तीनों क्या हो गए, हार गए। थस द कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यू टू बंगाल बिहार एंड ओडिशा। ठीक है, अब वो जो यूनाइटेड आर्मी था, ठीक है, वो हार गया, ब्रिटिशर्स वापस जीत गए। ठीक है, तो उनको क्या हो गया था, दीवानी राइट्स मिल गए थे, मतलब राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यू यानी कि टैक्स कलेक्ट करने के राइट्स मिल गए थे, कहाँ कहाँ पे, बंगाल में, बिहार में और ओडिशा में। और सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने के राइट्स नहीं मिले थे, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के भी राइट्स मिल गए थे। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो भी सिविल मैटर्स होते हैं उनको, उनके बारे में डिसीजन लेने का भी राइट किसको मिल गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो राइट्स मिल गए थे। अब पहले जब ब्रिटिशर्स आए थे तब क्या होता था कि वो लोग ट्रेडिंग के लिए आए थे, यानी कि हम गुड्स देते थे,
और वो हमें क्या देते थे, गोल्ड या सिल्वर में हम डील करते थे, ठीक है। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या होने लगा कि वो लोग टैक्स भी कलेक्ट करने लगे, ठीक है। यानी कि हम उनको स्पाइसेस तो दे ही रहे हैं, इन रिटर्न हम उनको एक्स्ट्रा मनी भी दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा गुड्स भी जा रहा था और जो हमारे गोल्ड एंड सिल्वर है वो भी हमारे पास से जा रहे थे, गोल्ड एंड सिल्वर जो था वो भी जा रहा था इन फॉर्म ऑफ टैक्स। और इसी तरीके से ब्रिटिशर्स बहुत ही ज़्यादा रिच हो गए और हमें जो सोने की चिड़िया कहा जाता था वो वेल्थ धीरे धीरे ड्रेन हो गया और ब्रिटिशर्स के पास पहुंच गया। थैंक यू। अभी अभी बैटल ऑफ बक्सर में हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे ऑन बंगाल, ओडिशा एंड बिहार, ठीक है। दीवानी राइट्स यानी कि टैक्स कलेक्शन राइट्स मिल गए थे और सिविल राइट्स भी मिल गए थे, एडमिनिस्ट्रेट करने के भी राइट्स मिल गए थे। अब हम देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी रूल की कंपनी ने अपने रूल्स को कैसे एक्सपांड किया धीरे धीरे, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड अ रेगुलेशन एक्ट इन 1773 AD अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल एंड ऑल द ट्रेड एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी वेयर बॉट अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल। अब हमने जैसे देखा था कि मीर जफर को हटा के मीर कासिम को नवाब बना दिया गया था, लेकिन वो ज़्यादा ही एम्बिशियस था तो उसको निकाल दिया गया, ठीक है। तो उसने फिर वॉर भी किया था, तो अभी भी मीर जफर नवाब था, ठीक है। तो उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया ताकि वो अपने पावर को और एक्सपांड कर सके, उनके पास ज़्यादा वेल्थ आए और पॉलिटिकल पावर भी आ जाए, इसलिए उसको गवर्नर जनरल बना दिया। द मुंबई एंड मद्रास गवर्नर एंड हिज काउंसिल वेयर बॉट अंडर हेम। अभी बंगाल के ऊपर तो उनका राज हो ही चुका था, ठीक है। फिर मुंबई और मद्रास का जो गवर्नर था उसको भी अपने अंडर ले लिया उन लोगों ने, ठीक है। वॉरेन हास्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हिज टेन्योर। फर्स्ट मराठा वॉर एंड सेकेंड मैसूर वॉर विथ हैदर अली वॉज वेस्ट। अब इनके ऊपर है ना ब्रिटिश कंपनी को कंट्रोल चाहिए था, भले ही ये उनके अंडर थे लेकिन पावर फिर भी किसको चाहिए था, ब्रिटिश कंपनी को चाहिए था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उन्होंने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग को फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया, यानी कि इन लोगों के भी ऊपर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है। ड्यूरिंग हिज टेन्योर यानी कि जब तक वो गवर्नर जनरल था तब तक दो वॉर हुए थे, एक तो फर्स्ट था मराठा वॉर जो कि हुआ था 1775 में और सेकेंड मैसूर वॉर हुआ था विद हैदर अली जो हुआ था 1780 में, ठीक है। ये वॉर किसके बीच में हुआ था, मराठास एंड ईस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मैसूर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कंपनी के साथ वॉर हुए थे। प्रॉब्लम फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज्ड बिकॉज इट हैड टू फेस द पावर साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्या खड़ी हो गई थी कि मराठास और मैसूर दोनों के साथ एक साथ फाइट करना था। कॉर्नवालिस टुक ओवर एज गवर्नर जनरल आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग का टेन्योर काम करने का पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया। थर्ड मैसूर वॉर टुक प्लेस विद टीपू सुल्तान फेमसली नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर। अब वॉरेन हेस्टिंग ने सेकेंड मैसूर वॉर उसके टाइम पीरियड में हुआ था और थर्ड मैसूर वॉर हुआ था जब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना इन 1789, यानी कि फर्स्ट सेकेंड मैसूर वॉर हुआ था 1780 में और उसके एग्जैक्ट नाइन ईयर्स बाद हुआ मैसूर थर्ड मैसूर वॉर जो कि टीपू सुल्तान के साथ हुआ था और उसे फेमसली क्या बुलाया जाता था, टाइगर ऑफ मैसूर। द कंपनी जॉइन हैंड्स विथ द मराठास एंड द निज़ाम, हेंस टीपू सुल्तान कुड नॉट विन एंड हैड टू एक्सेप्टेड द ट्रीटी। अब थर्ड मैसूर वॉर में क्या हुआ था कि मराठास ने निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ हाथ मिला लिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठास और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ हाथ मिला लिया था ताकि वो लोग टीपू सुल्तान को हरा सके। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी कि इंडियंस को इंडियंस के साथ ही लड़वा रही थी। अब इनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम अपनों के साथ ही लड़ रहे हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया पर ही कब्जा कर रही है, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठास और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ हाथ मिला लिया और टीपू सुल्तान को हरा दिया, ठीक है। अब जब वॉर होता था और कोई हार जाता था तो क्या होता था, एक ट्रीटी यानी कि एक समझौता होता था कि वो लोग समझौता कर लेते थे कि हम आपको इतना देंगे, आप हमको इतना दोगे, हम ऐसा करेंगे या ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो टीपू सुल्तान हार गया और उनको एक ट्रीटी साइन करना पड़ा। आफ्टर कॉर्नवालिस सर जॉन बिकेम द गवर्नर जनरल,
बट ड्यू टू सम रिजिड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय हिम द कंपनी फेम डिक्लाइंड एंड मराठास बिकेम स्ट्रॉन्गर। अब कॉर्न वॉलिस के बाद किसको गवर्नर जनरल बनाया गया? सर जॉन को। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अपनाई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फेम था, उनका पावर था, थोड़ा डिक्लाइन हो गया और जो मराठास थे वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए। सो गवर्नर जनरल वेलेस्ली हु केम आफ्टर जॉन शोर गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द कंपनी सुप्रीम एंड ही इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडरी आलियंस सिस्टम। अब सर जॉन्स के बाद किसको गवर्नर बनाया गया? रिचर्ड वेलेस्ली को। टेक्स्ट बुक में सिर्फ वेलेस्ली दिया है और फुल नाम है रिचर्ड वेलेस्ली, ठीक है, उनको गवर्नर जनरल बनाया गया। अब उनके कंधों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कंपनी को वापस से बड़ा बनाया जाए, पॉलिटिकल पावर आए और इंडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग अपना कब्जा कर सके, ऐसा वॉरेन हेस्टिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और उन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, सब्सिडरी आलियंस सिस्टम, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।